हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्ट एंड क्ले। आज हम लोग पेपर फ्रिल्स का और एक नया डिज़ाइन लेकर आए हैं और उसको बनाएंगे और सीखेंगे उसको कैसे बनाते हैं। तो पेपर फ्रिल्स बनाने के लिए सबसे पहले अपने आपका मनपसंद कलर जो भी है उस कलर का एक काइट पेपर, ऑर्डिनरी पेपर या कोई भी पेपर आप ले लीजिए और उसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है उस तरह से फोल्ड कर लीजिए। पहले उसको वर्टिकली दो हिस्से में डिवाइड करके, एकदम इक्वली डिवाइड करके उसको फोल्ड कर लिया, फिर उसको फिर से बीच से फोल्ड करके और एक बार वर्टिकली फोल्ड करके उसको डिवाइड कर लिया, और ऐसे तीन चार बार करते रहें। ऐसे कोई मतलब ये नहीं है कि आप कितने बार उसको फोल्ड करेंगे, जितना बार चाहे आप उसको उतने बार फोल्ड कर सकते हैं। ध्यान में रखिए, आप जो डिज़ाइन बनाएंगे वो डिज़ाइन को आपको उसका आधा हिस्सा इस फोल्डेड पेपर में ड्रॉ करना है, तो फोल्ड करते रहिए लेकिन उस हद तक कीजिए कि जहाँ पे वो डिज़ाइन ड्रॉ हो सके, मतलब ज़्यादा छोटा या ज़्यादा नैरो हो जाने से वो डिज़ाइन ड्रॉ करने में आपको दिक्कत होगा। तो देखिए, मैंने फोल्ड कर लिया तीन चार बार, ऐसे बीच से बार बार फोल्ड करके फोल्ड कर लिया है पूरा पेपर को। अब इसके ऊपर मैं पेन या स्केच पेन से ड्रॉ करेंगे जो भी डिज़ाइन मेरा मन में है। आज मैं एक रैंडम डिज़ाइन ड्रॉ करूँगा, कोई सेफ या कोई फिगर नहीं ड्रॉ करेंगे पेपर के ऊपर, बस एक रैंडम डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। बहुत ही सिंपल ड्राइंग है, कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको, देख सकते हैं। मैं एक यू लिखा और एक वी लिखा, वी ड्रॉ किया और उसके बाद उसको थोड़ा डिज़ाइन कर लिया। तो आप भी ऐसे ही कोई भी रैंडम डिज़ाइन, कोई भी रैंडम शेप एक ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करते वक्त बस इतना याद रखिएगा कि ड्राइंग का एक हिस्सा आपका जुड़ा होना चाहिए दोनों साइड का जो बॉर्डर है उसका किसी एक साइड में, नहीं तो वो पूरा कट के अलग हो जाएगा। तो मैंने जैसे ड्रॉ कर लिया, अब इसको सीजर से कट रहे हैं। अब देखिए, मैं पूरा नहीं कट रहा हूँ, मैं किसी भी एक फोल्ड का साइड से जो कॉर्नर है उसका अंत तक जा रहा हूँ, लेकिन पूरा फोल्ड को कट नहीं रहा हूँ। अगर पूरा कट देंगे तो वो अलग हो जाएगा। तो आप ऐसे ही पूरा इसको मत कटिए, थोड़ा सा जुड़े रहने दीजिए ताकि ये पेपर जब खुलेगा, जब फोल्ड का हम अनफोल्ड करेंगे तब एक डिज़ाइन ड्रॉ हो जाएगा और वो कट के बिखर के अलग नहीं होगा। तो मैंने पहले वी शेप जो किए थे, दो तीन छोटा छोटा वी शेप किए थे, उसके बाद अंदर में एक छोटा सा वी शेप करके उसके अंदर मैंने छोटा सा एक कोलका का डिज़ाइन किए थे। तो अभी जो हम कर रहे हैं उस वी शेप को, जो छोटा छोटा वी शेप है उसको कट रहे हैं, उसका बीच का हिस्सा थोड़ा थोड़ा निकाल दे रहे हैं काट के ताकि वो अलग से दिखे। तो ये जो होगा ये एक डायमंड शेप का हो जाएगा खुलने के बाद, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैं जो डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ उसका आधा हिस्सा ड्रॉ किया हूँ, तो फोल्ड खुलने के बाद वो पूरा हिस्सा आपको दिखेगा। तो ये वी शेप है, तो वी शेप को अगर खोलेंगे तो खोलने के बाद जो प्लेट आएगा उसमें वो डायमंड का शेप ले लेगा। यू जो बनाया है, यू का जो शेप बनाया है वो पूरा ओवल का शेप ले लेगा। अब देखिए, अंदर का जो मैंने जो छोटा सा फ्लावर जैसा एक चीज़ बनाया है उसको कट रहे हैं, तो वो भी आपका ऐसे ही दो, मतलब उसको आप इमेजिन कर सकते हैं ये आधा हिस्सा है, ये इसका दो पार्ट बन जाएगा और दो कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि मैंने जो फोल्ड किए जहाँ से वहाँ से पूरा कट के उसको निकाल नहीं दे रहे हैं, वहाँ से थोड़ा सा जोड़ के रखते हैं। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, और आप चाहे तो कोई और भी डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत बहुत सारे ब्यूटीफुल डिज़ाइन इससे बन सकता है। आप अगर मेरा चैनल से जुड़े हुए हैं तो इससे पहले भी मैं एक पेपर फ्रिल्स बनाने का एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैं और भी डिटेल में बताया हूँ कैसे बनाते हैं। इसमें और एक नया डिज़ाइन लेकर आए हैं, इस वक्त मैं सोचा कि जो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, जिसको ड्राइंग उतना अच्छा नहीं आता है, वो पेपर फ्रिल्स कैसे बनाएंगे, तो इसीलिए मैंने बहुत सिंपल सा शेप दिया हूँ इस पेपर फ्रिल्स में। आप देख सकते हैं, एक यू ड्रॉ किया हूँ और एक वी ड्रॉ किया हूँ, उसको दो तीन बार छोटा छोटा वी के अंदर और एक वी यू के अंदर और एक यू, ऐसे करके एक डिज़ाइन बनाया हूँ।
बहुत ही सिंपल है, कोई भी बना सकते हैं। अगर मैं बना पा रहा हूँ तो आप तो ज़रूर बना पाएंगे, कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको मदद करूँगा। मैं ऐसे मज़ेदार वीडियो लाते रहता हूँ इस चैनल में, क्राफ्ट एंड क्ले मेरा चैनल है। आप लोग को अगर अच्छा लगता है इसका कॉन्टेंट तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए। अगर कोई सलाह या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे को बहुत हेल्प होगा उसके जो वीडियो का क्वालिटी है मेरा वो इम्प्रूव करने के लिए। मैं एक नया यूट्यूबर हूँ तो पहले तक का जो वीडियोस है उसमें एडिटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम था, मैं सुधर लिया हूँ, डे बाय डे मैं इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ आप लोगों की सलाह और सुझाव की वजह से और फीडबैक की वजह से। तो आप लोग देखते रहिए, कनेक्टेड रहिए यहाँ पे इस चैनल में। मैं हाउस वेस्ट मटेरियल जो है उसे या फिर जो बहुत ही मतलब लेस कॉस्टली आइटम्स हैं उससे हम क्राफ्ट आइटम बनाते हैं। ये सारे क्राफ्ट आइटम आपका जो है घर में कोई फेस्टिवल है, पूजा है, ऑकेशन में, उसमें आपको डिज़ाइन करने के लिए काम पे आएगा। आप जनरली मार्केट से हम लोग क्या करते हैं, कॉस्टली डेकोरेटिव आइटम्स खरीदते हैं और उससे घर सजाते हैं, उसमें उतना मज़ा नहीं आता। इससे अच्छा है कि हम लोग खुद ही बना लेते हैं रॉ मटेरियल्स खरीद के, उसमें वो सस्ता भी होगा और अपने मन पसंद भी होगा। देखिए मैंने काट लिया हूँ पेपर को, मेरा लगभग लगभग ख़त्म हो गया पेपर फ्रिल्स बनाना। अब मैं जो बॉर्डर का जो एकदम नीचे का हिस्सा है उसको बना रहा हूँ। तो इसको कुछ नहीं है, सिंपल से वर्टिकली आप उसको स्ट्राइप कर लीजिए और इसके बाद मैं एक बॉर्डर में एक और एक छोटा सा डायमंड जैसा बना रहा हूँ। ये बहुत ही सिंपल डायमंड होगा, तो मैंने वर्टिकली और एक बार फोल्ड कर लिया और उसके बाद कैंची से काट लिया हूँ। देखिए ये बन के पूरा तैयार हो गया है। अब इसको खोल रहा हूँ मैं। इसको अगर खोलने के बाद एक देखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत एक बहुत ही मज़ेदार डिज़ाइन बन जाएगा। ये एक एक प्लेट होगा, मतलब ऐसे तीन चार जितने बार हम लोग फोल्ड किए हैं ये उतने बार आप देख सकते हैं कि ये फोल्ड होगा। तो देखिए जैसे अभी तीन प्लेट बन चुका है, अभी खोल रहे हैं तो आपको छः प्लेट या चार प्लेट मिलेगा। ऐसे अभी पूरा खुल गया है, इसको आप देख सकते हैं। सो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेके आते हैं ऐसे पेपर फ्रिल्स। आप घर में कोई पूजा है, ऑकेशन में, तो उसमें आप डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे सरस्वती पूजा में ऐसे पेपर फ्रिल्स लेके आप अगर डालेंगे तो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल को और जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।